गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इस विद विकास सर पे। आप लोग जल्दी से सबसे पहले बताइएगा, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो एक बार बताइएगा। थोड़ा सा थोड़ी लेट हुई, टेक्निकल फॉल्ट आती रहती है, यू कैन अंडरस्टैंड। आप सभी लोग समझ सकते हो इस बात को। ऑडियो ठीक है बच्चे? एक बार रिप्लाई करके बताइएगा आप लोग, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइएगा आप। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, आपके पास ठीक है? हेलो 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 हेलो। चलिए रिप्लाई करके बताइएगा बच्चे, क्या अब ऑडियो ठीक है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या अब ऑडियो ठीक है मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी एक बार रिप्लाई करके बताइए आप सभी। चलिए ऑल क्लियर, वेरी गुड बच्चे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। ये समस्याएं कभी कभी आती रहती है मेरे भाई, है ना। इसको एडजस्ट करना होता है समटाइम्स, है ना। साउंड प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इशू नहीं है। हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, जो हमारी रोज चैप्टर का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऑलरेडी हमारा समय ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
देखिए पिछली सेशन की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर मैं पिछली सेशन की बात करूं तो डेफिनेटली आपका आपको याद होगा कि हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके थे, और क्वेश्चन 25 नंबर में जो हमारी बातचीत हुई थी वो ये था मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमारी बातचीत हुई थी वो ये हुई थी कि अगेन ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लेखन की शुरुआत की थी, तो है ना, तो कितने शुरुआत की थी, तो ये बातें आपको पता होगा बच्चे कि वो 10 वर्ष की अवस्था में जब होते तब से ही उन्होंने शुरू कर दिया था ये, ठीक है। कब से बच्चे, तो जब वो 10 वर्ष की अवस्था में तब से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको याद होगी। तो 25 नंबर हम लोगों ने कर लिया था। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन में कि बचपन में खेलते हुए, है ना, बचपन में खेलने हेतु किस नाटक का लेखन किया था, तो ये बात भी आपको याद होगा कि वो इंद्रसभा का, किसका लेखन उन्होंने किया था, इंद्रसभा का लेखन उन्होंने किया था, तो ये वाली बातें भी आपको। तो 26 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था मेरे भाई, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक बार रिप्लाई करके बताइएगा क्या मैं सही हूं, है ना। चलिए 27 नंबर से सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसे रिप्लाई करके बताइएगा कि अगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। दहेजांत में, सेवा 1924 में, युद्धक में, और तार सप्तक में। तो आपको रिप्लाई करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको रिप्लाई करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगे साहब की जो पहली कहानी है, है ना, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना, जल्दी जल्दी बताइए। आज का सेशन थोड़ा सा, है ना, कह सकते हो डिस्टर्ब हुआ मेरे भाई ऑडियो की वजह से। देखो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आती रहती हैं, है ना, इट हैपेंस, ये होता रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जल्दी से। और रिप्लाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि रिप्लाई करिएगा तभी चीजें बेहतरीन लेवल पे जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है। चलो क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, रिप्लाई करते रहिए, बताते रहिए रिप्लाई करके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप सभी, चलो वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही रिप्लाई किया है आप सभी ने, बिल्कुल आप सभी ने सही रिप्लाई किया है, चलो, है ना, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1924 में, ठीक है ना, 1924 में। थोड़ा सा मैं तेज निकालूंगा, कोई इशू तो नहीं है। एक बार अब रिप्लाई करके एक बार बता दीजिएगा, क्या अब सब कुछ क्लियर है मेरे बच्चे, एक बार रिप्लाई करके बताइएगा, इज एवरीथिंग फाइन, अब सब कुछ ठीक है, एक बार रिप्लाई कर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग आगे लेते हैं और 27 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 27 हो गया है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो एक बूंद सहसा उछली साहित्य की कौन सी विद्या है। देखो एक बूंद सहसा उछली, है ना, एक बूंद सहसा उछली, ये जो लिखा गया है अगे साहब जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपको बताना यह है कि यह साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको यह बताना है। तो यह साहित्य की कौन सी विद्या है बच्चे, तो ये यात्रा साहित्य है उनकी, क्या है, यात्रा साहित्य है, जर्नी रिकॉर्ड आप कह सकते हो, है ना, ये है उनकी, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अगे की तार सप्तक कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगे की तार सप्तक कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगे की तार सप्तक का, है ना, तार सप्तक का कृति, है ना, तार सप्तक जो कृति है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, यस, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जो तार सप्तक है ना, ये उनकी आई थी 1943 में, किसमें आई थी, 1943 में तार सप्तक आई थी, और जो दूसरा सप्तक था, जो दूसरा सप्तक था वो आया था 1951 में, और जो तीसरा सप्तक है वो आया था 1959 में, और जो चौथा सप्तक था वो आया था बच्चे 1978 में। तो ये बात याद रखिएगा कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष क्या है वो है 1943, है ना,
जो दूसरा सप्तक आया था वो किधर आया था, कब आया था, तो 1951 में, और तीसरा सप्तक आया था 1959 में, और चौथा सप्तक आया था 1978 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन थे, तो बहुत ही आसान है कि लोग शीर्षक के लेखक कौन थे, तो अगे साहब थे, है ना। रोज शीर्षक के लेखक कौन थे, अगे साहब थे। क्वेश्चन नंबर 31, अगे हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, हिंदी के अलावा और वो किस भाषा के जानकार थे, ये आप सभी को बताना है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, सिंहली, है ना, आपको बताना है जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में, है ना, हिंदी के अलावा वो किस भाषा के है ना जानकार थे, तो संस्कृत भी उन्हें आता था। क्या आता था, संस्कृत भी उन्हें आता था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अज्ञे की अभिरुचि किसमें किसमें थी, उनकी अभिरुचि किसमें थी, बागवानी में, पर्यटन में, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर इसमें देखा जाए तो ए नंबर भी आपका अंग्रेजी भी होगा उनका, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तो 31 नंबर हो गया, 32 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, और 33 क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। देखो क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा अधिक है, टाइम ऑलरेडी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी जल्दी जल्दी निकाल दूं। ठीक है, आप में से जितने भी बच्चे जुड़े हो, बच्चे एक बार कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, कि अगे कितने प्रकार के कार्यों में दक्ष थे, अगे साहब कितने प्रकार के कार्यों में दक्ष थे, ये आप सभी को बताना है कि अगे साहब जो है कितने प्रकार के कार्यों में दक्ष थे, तो लगभग दर्जनों पेशेवर कार्य थे मेरे बच्चे उसमें वो दक्ष थे। ये जो दक्ष शब्द आता है ना, इस दक्ष का मतलब होता है निपुण होना, क्या होता है, निपुण होना। ठीक है, क्या मेरे बच्चे, तो निपुण होना। ठीक है, तो कितने प्रकार के कार्य में वो निपुण थे, तो वो थे लगभग, है ना, लगभग दर्जनों पेशेवर कार्य में वो निपुण थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगे को किस किस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल थी, अगे को किस किस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल थी, मतलब किस क्षेत्र का उनको ज्ञान बहुत ज्यादा था, केवल फोटोग्राफी में, केवल शिल्प में, केवल हस्तकला में, और सभी में। ठीक है, तो उनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, सभी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी नंबर, सभी में। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कि अगे को अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था, अगे को अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था, तो अगे को अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगे ने कौन कौन देशों की साहित्यिक यात्रा की थी, तो कौन कौन से देशों में उन्होंने साहित्यिक यात्रा की थी, रूस की, यूरोपीय देशों की, अमेरिका की, या यूरोप, एशिया, अमेरिका के कई देशों में, तो करेक्ट आंसर यहां भी क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। तो 36 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो डी नंबर होगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 37 कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे साहब को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कवर हो गया, और 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि युगोस्लाविया होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, युगोस्लाविया जो है देश द्वारा अगे को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो वहां से उनको स्वर्णमाल के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। क्या मिला था मेरे बच्चे, स्वर्णमाल के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उम्मीद करता हूं मेरे भाई यहां तक आप लोगों का सभी का क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारा कवर हो गया है, और 39 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे, ध्यान से, क्लियर है मेरे भाई, चलो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, है ना, आप सभी लोग रिप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसे समझने का प्रयास करिए। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगे ने बचपन में नाटक खेलने के लिए लिखा था, ध्यान से समझिएगा, अगे साहब ने बचपन में कौन सा नाटक जो है उन्होंने खेलने के लिए लिखा था। ऑप्शन नंबर में ए है इंद्र सभा नाटक, ऑप्शन नंबर बी में है अयोध्या नाटक, ऑप्शन नंबर सी में राणा प्रताप नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली विजय। तो ये कौन सा नाटक उन्होंने लिखा था, आपको ये बताना है। ठीक है, कि बचपन में अगे साहब ने खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इंद्र सभा, अयोध्या, राणा प्रताप और दिल्ली विजय,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर, इंद्र सभा। ये क्वेश्चन और रिपीट भी हुआ, आप ये कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए और इसको रिप्लाई करके बताइएगा कि यज्ञ ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, है ना। तो मतलब क्या, अज्ञे साहब जो है उन्होंने अपने घर में ही कई हस्तलिखित हस्तलिखित पत्रिका का भी संपादन किया था, तो आखिर वो क्या था, उसका नाम क्या है वो बताना है। आनंद बंधु, देश बंधु, लोक बंधु और ग्राम बंधु, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए नंबर, आनंद बंधु। क्या हो जाएगा? आनंद बंधु, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कवर हो गया, 41 देखिएगा कि अज्ञेय ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था। अज्ञेय साहब ने 24-25 में, 1924-25 में उन्होंने किस भाषा में एक उपन्यास लिखा था, आपको यह बताना है। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में। तो करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी में, कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 कि अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर होगा ये वाली, स्काउट पत्रिका सेवा, जो कि इलाहाबाद की पत्रिका थी, तो वहां उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 है कि अज्ञेय ने किस वर्ष से नियमित लेखन शुरू किया था। अज्ञेय ने किस वर्ष से नियमित लेखन शुरू किया था? तो 1930 के बाद। कब? 1930 के बाद उन्होंने रेगुलर लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। चलिए तो 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं ध्यान से कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की कैसी कृति है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय साहब की कैसी कृति है, आप सभी को यह बताना है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय साहब की कैसी कृति है। अब ऑप्शन में है नाटक, ऑप्शन बी में है संस्मरण, ऑप्शन सी में है काव्य कृति और ऑप्शन डी में है एकांकी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को यह बताना है, ठीक है, कि कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञेय साहब की कौन सी, है ना, कैसी कृति है, किस प्रकार की रचना है उनकी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर होगा काव्य कृति, है ना, सी नंबर ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि ये क्या है, तो काव्य कृति है उनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि अज्ञेय ने तीन सप्तकों का काव्य संकलन का क्या किया था, ठीक है ना। लेखन किया था, संपादन किया था, प्रकाशन किया था या प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने, आप सभी को यह बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का, जल्दी से रिप्लाई करके बताइएगा। तो 45 का उन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। जो तीन सप्तकों हैं उनको क्या किया था उन्होंने, संपादन किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। 2 अप्रैल 1985 को, 3 अप्रैल 1986 को, 4 अप्रैल 1987 को और 5 अप्रैल 1988 को। करेक्ट आंसर होगा बच्चे सी नंबर, 4 अप्रैल 1987 को उनका डेथ हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को उनका डेथ हुआ था। उम्मीद करता हूं मेरे भाई यहां तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमने कवर कर लिया है। 47 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 47 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे बच्चे, 47 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से चीजों को समझिएगा कि अज्ञेय जी का जन्म कहां हुआ था। आप सभी को बताना है कि अज्ञेय साहब का जन्म कहां हुआ था। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए में है इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में है कसेया, है ना, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप ये बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कसेया ग्राम में हुआ था उनका जन्म, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो 48 की बात करें कि अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहां था। अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहां था? करतारपुर पंजाब, लम्ही वाराणसी, इटारसी मध्य प्रदेश और जबलपुर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करके बताइए कि अज्ञेय साहब का मूल निवास स्थान कहां था। तो उनका जो मूल निवास स्थान था बच्चे वो कहां है, तो करतारपुर पंजाब। उनका मूल निवास स्थान कहां है, तो करतारपुर पंजाब में है, ठीक है ना। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसे रिप्लाई करके बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये किस पाठ में आया है।
तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, कोई भी बच्चे इसका रिप्लाई कर देंगे। ये कौन से पाठ में आया है? तो रोज में आया है। कौन से पाठ में आया है जी? तो ये रोज में आया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कवर। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि अज्ञेय साहब मूलतः क्या थे, मूलतः क्या थे आपको ये बताना है कि अज्ञेय साहब मूलतः क्या थे, आपको ये बताना है कि अज्ञेय साहब मूलतः क्या थे, ठीक है। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए में है निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में है उपन्यासकार, और ऑप्शन नंबर सी में है कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी में है व्यंग्यकार। देखो आपको मैं बता दूं, अज्ञेय साहब ने ये चारों चीज है, वो निबंधकार भी है, उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, व्यंग्यकार भी है, लेकिन क्वेश्चन ये बच्चे मूल रूप से वो क्या थे, मुख्य रूप से वो क्या थे, तो याद रखिएगा वो मूलतः कहानीकार थे। कथाकार होगा कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे कथाकार लिखा होगा, कहां पे कहीं पे कहानीकार लिखा होगा। तो करेक्ट आंसर 50 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो सी नंबर हो जाएगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है ना। वो उपन्यासकार अगर मूलतः रहेगा तो फिर ये हो जाएगा, कहानीकार हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था, अज्ञेय साहब ने इंटर कहां से पास किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमैन कॉलेज से, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इंटर कहां से किया था आपको ये बताना है। तो उन्होंने इंटर किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, कहां से है ना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 52 है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या? तो मालती। तो ये 52 हमारा कवर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा कि अज्ञेय किस किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे, मतलब क्या, कौन सी ऐसी पत्रिका निम्नलिखित में से है जिससे वो जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए में सैनिक, जो कि आगरा की पत्रिका थी, विशाल भारत जो कि कोलकाता की पत्रिका थी, युवक जो कि पटना की पत्रिका थी, है ना, प्रतीक प्रयाग की पत्रिका थी, दिनमान नया प्रतीक ये दिल्ली की पत्रिका थी, अनब भारत टाइम्स ये भी दिल्ली की पत्रिका थी। तो आपका जवाब ये देना है मेरे बच्चे कि वो कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिससे वो नहीं जुड़े थे, ठीक है ना। तो इसका रिप्लाई करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर, कि युवक नाम की पत्रिका जो कि पटना की पत्रिका थी इससे वे जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है ना, इससे वे जुड़े हुए नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का, तो बी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो अभी क्वेश्चन आया था कुछ देर पहले आनंद बंधु पत्रिका का। चलिए क्वेश्चन ये भी कवर हो गया, 54 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अज्ञेय साहब जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो अज्ञेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। इनमें से केवल एक उपन्यास है बेटे जो है ना अज्ञेय जी के साहब अज्ञेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, और उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। और लिखा किसके द्वारा गया है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि महेश्वर कौन सा फल लाया था, मतलब जो कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, कि रोज कहानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस कहानी में एक पात्र का नाम है महेश्वर, तो आखिर वो कौन सा फल लेकर आए थे? तो कौन सा फल लेकर आए थे? तो वो आम लेकर आए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। 56 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 57 समझिए कि गैंग्रीन का संबंध इनमें से किससे है, गैंग्रीन का संबंध इसमें से किससे है, पशु से, देश से, वनस्पति से, और बीमारी से। तो गैंग्रीन क्या थी? तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो टोटल हमने 57 नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 58 की। 58 में समझिए क्या है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, आपको यह बताना है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, और कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महेश्वर, बी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? तो बी नंबर होगा, महेश्वर, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। देख ध्यान से समझिए कि मालती और महेश्वर की एक संतान भी है, तो उस संतान का नाम क्या है, यही आप सभी को बताना है।
मालती और महेश्वर की एक संतान है, तो उनकी संतान का नाम क्या है ये बताना है। किक, टिटी, गोलू, भोलू, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 60 का। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि अगे के पिता का नाम क्या था, जो अगे साहब है उनके पिता का नाम क्या था ये बताना है। डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे ये बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगे साहब के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे यहां तक आपका सारा का सारा क्लियर हुआ होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है ना, मतलब जो रोज नाम की कहानी जो आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें कितना बजता है और कहानी खत्म हो जाता है। तो लेखक का सवाल यह है कि कितने घंटे की किस खड़कन के साथ रोज नाम की कहानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा ये बताना है। 4, 3, 2 और 11, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो डी नंबर हो जाएगा, 11 के साथ। क्या होगा? 11 के साथ रोज नाम की कहानी जो है खत्म होती है। लास्ट में मालती क्या कहती है, 11 बज गए, और इस प्रकार से कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना मेरे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 62 की, कि तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक के संपादक कौन है, है ना, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अगे साहब। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे सकते हो कि आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, तो अगे होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए और इसका रिप्लाई करके आप लोग बताइएगा कि 63 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। ठीक है, कि अगे किस वाद से संबंधित है, मतलब हमारे जो सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अगे साहब हैं, इनका संबंध आखिर कौन से वाद से है? छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से और स्वच्छंदवाद से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर कितने 63 नंबर में। तो 63 नंबर में आखिर वो किस बात से संबंध है, तो इनका जो संबंध है ना बच्चे वो संबंध है प्रयोगवाद से। किस बात से? तो इनका संबंध है प्रयोगवाद से। तो जिन्होंने ए लिखा होगा उनका गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, प्रयोगवाद से इनका संबंध है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे, 64 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा आंसर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन, कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे, है ना, लेखक जो है कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे आपको यह बताना है, है ना, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद। तो लेखक जो है वो मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए थे आप सभी को यह बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद मिलने आए थे, तो 4 वर्ष बाद मिलने आए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कि नदी की द्वीप किसकी रचना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, कि नदी की द्वीप किसकी रचना होगी, जल्दी से बताइए। अगे, उदय प्रकाश, मल्लेज और मणि मधुकर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नदी की द्वीप किनकी रचना है, तो बहुत ही आसान सा आंसर है कि अगे साहब की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, है ना, 66 में, कि इनमें अगे का नाटक कौन है, है ना, इनमें से कौन सा नाटक है जो अगे साहब जी के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा नाटक है जो अगे साहब जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए में करबला, ऑप्शन बी में आज और कल, ऑप्शन सी में उत्तर प्रियदर्शी और ऑप्शन डी में, है ना, सिपाही की मां। तो कौन सा नाटक है जो लिखा गया है अगे साहब जी के द्वारा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी, देखो ऊपर में जो नंबर ए में जो करबला नाम का नाटक है ये लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। किनके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो नीचे जो लिखा गया है सिपाही की मां, ये लिखा गया है मोहन राकेश जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश जी के द्वारा, है ना, मोहन राकेश जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो लिखा गया है आज और कल, ये लिखा गया है केदार सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? केदार सिंह जी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे यहां तक मामला आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग बस ये टेक्स्ट करके बता दो जल्दी से, क्या सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे?
है ना। देखो टेक्निकल फॉल्ट आए थे, वो चला भी गया है, लेकिन क्या अब सब कुछ क्लियर हो रहा है? एक बार जल्दी से रिप्लाई करके बताइएगा, कहानी को हम लोग बढ़ाते हैं आगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 हो चुका है, 66 से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और 67 नंबर क्वेश्चन में है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, मतलब किस रचना पर अज्ञेय साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आप सभी को यह बताना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अज्ञेय साहब को किस रचना पर मिला था, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार और शेखर एक जीवनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 68 में कि अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। देखो इसमें जो चार ऑप्शन है, वीप थगा, थोड़ा छोड़ा हुआ रास्ता, रोज और ये तेरे प्रतिरूप। तो ये जो चार ऑप्शन है मेरे बच्चे, तो इस चार ऑप्शन में से ना आपका कौन सी कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है ना। इनमें से कौन सी कहानी है जिसका नाम है ना, कौन सी कहानी है जिसका एक और भी शीर्षक है जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रोज कहानी का, जो आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो 68 नंबर हो गया है, और 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज जो कहानी आप लोग पढ़ रहे हो इसमें इनकी नायिका कौन है? सुनीता, कलावती है ना, और फिर से सुनीता, और इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसमें नायिका कौन है बच्चे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इनकी नायिका का नाम क्या है? मालती। हालांकि ये ऑप्शन ए और सी दोनों सेम है, हो गया है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि रोज कहानी अज्ञेय की किस कृति से संकलित है। आपको यह बताना है कि रोज जो कहानी है वो अज्ञेय साहब की किस कहानी में संकलित है, है ना। तो ये किससे? वीपथगा से। किससे? वीपथगा से, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 70 हो गया हमारा क्वेश्चन, 71 नंबर देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस तरह के कलाकार थे? ग्रामीण, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और निराशावादी। तो याद होगा बच्चे कि ये बहुत कम बोला करते थे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अंतर्मुखी। ये किस प्रकार के थे? तो अंतर्मुखी कलाकार थे। तो 71 हमारा हो गया है। 72 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से आइए। 72 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या है, आपको बताना है कि गैंग्रीन क्या है। जंगली प्रजाति, कांटा चुभने का जख्म, एक प्रकार की छिपकली और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कि गैंग्रीन इसमें है क्या, है ना। जंगली प्रजाति है, कांटा चुभने का जख्म है, एक प्रकार की छिपकली है और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए कि गैंग्रीन आखिर है क्या। तो गैंग्रीन क्या है मेरे बच्चे? तो गैंग्रीन है कांटा चुभने का एक जख्म। गैंग्रीन क्या है? कांटा चुभने का ये एक जख्म है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि अज्ञेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी अनुवाद किया था। अज्ञेय साहब ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी अनुवाद किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे सी नंबर, गोरा, है ना। रविंद्रनाथ की एक कृति गोरा, इसको इन्होंने क्या किया था? तो हिंदी में ट्रांसलेट किया था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसे समझने का प्रयास करिएगा कि लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया से इस घर में छाई हुई है। देखो जब लेखक मालती के घर पहुंचे थे मेरे बच्चे, तो लेखक ने वहां की किस चीज को देख करके उन्हें लगा कि ये कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है मालती का दुबरा शरीर, ऑप्शन नंबर बी में है रोता हुआ बच्चा, ऑप्शन नंबर सी में है घर का वातावरण, और ऑप्शन नंबर डी है घर का सामान। ये सामान नहीं बल्कि सामान होना चाहिए, सामान होना चाहिए। तो आपको बताना यह है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज को देखकर इन्होंने क्या लगा था कि ये किस प्रकार की छाया छाई हुई है। देखो बच्चे, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा सी नंबर, घर का वातावरण। केवल मालती का दुबला शरीर नहीं बच्चे, घर का वातावरण देखा था कि उसमें एक घर के पूरे वातावरण में ना एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सी निरस्ता थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ दिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो वो एक डॉक्टर थे भाई, वो क्या है? एक डॉक्टर थे। तो बहुत ही आसान सा आंसर है। तो 75 का भी आंसर हमारा क्लियर हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन समझिए, है ना, कि
पानी चला जाने मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब पानी चला जाता था, देखो क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे तो वहां पे पानी आती थी टाइम से, अगर पानी है ना चला जाता था उसके बाद मालती को कितने बजे तक काम करना पड़ता था? ठीक है, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 9 बजे तक या 12 बजे तक? तो रात के कितने बजे तक काम करना पड़ता था इन्हें? 11 बजे तक काम करना पड़ता था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 76 हो जाए क्या हमारा कवर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए और इसको रिप्लाई करके बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, ठीक है, कि लेखक ने वहां से जाकर क्या भेजने की बात कही थी। देखो लेखक जब मालती के घर गए थे तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था मालती को। मालती को क्या प्रॉमिस किया था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं कुछ भेजूंगा, तो आखिर वो क्या भेजने की बात की थे? ठीक है, मिठाइयां, फल, जरूरी सामान और पुस्तकें, क्या भेजने की बातचीत हुई थी? तो उन्होंने क्या भेजने की बातचीत की थी? तो पुस्तकें भेजने की बातचीत की थी। क्या मेरे बच्चे? पुस्तकें भेजने की बातचीत की थी। ठीक है ना, आगे 78 नंबर क्वेश्चन, कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन, देखो चूंकि मालती के पति एक डॉक्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं, मालती के पति क्या है, एक डॉक्टर है, तो उस दिन जो है ना किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कैंसर, पथरी, हर्निया और इनमें से कोई नहीं। कैंसर, पथरी, हर्निया, इनमें से कोई नहीं, तो आखिर वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति महेश्वर, आपको बताना ये है कि किस बीमारी को है ना ऑपरेशन करके आए थे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, कौन सी बीमारी का? तो भैया वो बीमारी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो बीमारी जो थी ना वो गैंग्रीन है। ठीक है, वो गैंग्रीन है जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, 79 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 79 देखिए, कि लेखक ने किसे गाते हुए महसूस किया था? हाँ, ये एक गजब का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ठीक है, ये गजब का क्वेश्चन है कि लेखक ने किसे गाते हुए महसूस किया था? पवन, पहाड़, ब्रीच और पक्षी। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग कि लेखक ने किसे गाते हुए महसूस किया था? पवन, पहाड़, ब्रीच और पक्षी, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि लेखक ने किसे गाते हुए महसूस किया था? मेरे बच्चे देखो, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे बुकलेट में केवल 67 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्कुल हर बुकलेट में उतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, आप ऐप में इनरोलमेंट लिया होगा, ऐप में जाकर देखिए और उसमें क्वेश्चन को इंक्रीज किया गया है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ब्रीच, और ये ब्रीच एक्चुअली कैसा था? तो चीड़ का ब्रीच था। क्या था? तो चीड़ का ब्रीच था। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कि मालती का जीवन किस प्रकार बहा जा रहा था? इतना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि मालती का जीवन किस प्रकार बहा जा रहा था? तीव्र गति से, धीमी गति से, सामान्य गति से और नियत गति से। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा। तीव्र गति से, धीमी गति से, सामान्य गति से और नियत गति से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 80 का? तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चे, वो होगा नियत गति से। यंत्रवत चल रहा था, यंत्रवत चलने का मतलब होता है मशीन की तरह, तो होता है रेगुलर, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 81 देखेंगे। 81 नंबर में है कि अनभ्र, अनभ्र का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 81 है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनभ्र का मतलब क्या होगा? बिना हवा का, बिना धूल का, बिना बादल का और इनमें से कोई नहीं। बिना हवा का, ठीक है, बिना धूल का और बिना बादल का और इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि अनभ्र का अर्थ क्या होता है? अनभ्र जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, आपको यह बताना है कि बिना धूल का, बिना बादल का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? तो करेक्ट आंसर होगा ये, बिना बादल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है? इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अलग है, बाकी शब्दों से कौन सा शब्द जो है इनमें से अलग है? हंसाना, रुआसा, मुस्कुराना और प्रसन्नता। तो चार ऑप्शन है आपके सामने मेरे बच्चे, तो चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो सभी से अलग है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइएगा आप लोग कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है अलग है। तो देखो, हंसाना, मुस्कुराना और प्रसन्नता, ये सारा का सारा देखा जाए बच्चे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी है, इसमें समानता है। केवल कौन है भाई? तो रुआसा जो है ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि रुआसा का मतलब होता है रोना। क्या होता है? रोना। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 82 हो गया है, अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द कौन है?
है ना, आपको ये बताना है नीचे जो चार ऑप्शन है मेरे बच्चे, इसमें से अंग्रेजी शब्द कौन है आखिर, आपको ये बताना है, भूमि, विचित्र, अस्पताल और ऑपरेशन, है ना, जल्दी से बताना है इस चार चार शब्द में से अंग्रेजी शब्द कौन है, जबकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, डेफिनेटली आप सभी को इसका आंसर पता होगा, भूमि, विचित्र, अस्पताल और ऑपरेशन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए और इसको रिप्लाई करिए कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, रोज नामक जो कहानी आप लोग पढ़ रहे हो इसमें अतिथि बनकर कौन आते हैं आप सभी को ये बताना है, रोज नामक कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं आपको ये बताना है, मालती का चाचा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का मामा और मालती का पिता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मालती का चाचा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का मामा और मालती का पिता, तो कौन आते हैं भैया, तो वो आते हैं मालती के दूर के रिश्ते का भाई, कौन आते हैं मालती के दूर के रिश्ते का भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 84 का, बी नंबर हो गया। आइए और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है आपको ये बताना है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है, तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये है कहानी का अंश, ये क्या है कहानी का अंश, है ना, ये एक कहानी है, रोज इनमें से क्या है, तो ये एक कहानी है मेरे बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो 85 क्वेश्चन है हमने रोज कहानी से सारा का सारा कंप्लीट किया। कल की जो क्लास होगी बच्चे, हम लोग कल की क्लास में हिंदी जो हमारा दिगंत भाग 2 है उसका गद भाग का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जो कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, है ना, एक लेख और एक पत्र, बहुत ही गजब का चैप्टर है जिसे आप लोग पढ़िएगा, तो एक बार टाइम से जुड़ जाइएगा मेरे बच्चे। और आज शाम को 7 बजे एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट पे, है ना, जो यूट्यूब चैनल है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट, उस पे हम लोग, है ना, आज जो इंग्लिश का फाइनल प्रैक्टिस सेट चल रही है, आज सेट नंबर शायद हमारा 5 होगा, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड शेयरिंग इट, थैंक यू, बाय बाय।